हेलो फ्रेंड्स, और आज की रेसिपी है मसाला भात। सबसे पहले हम बासमती राइस को 20 मिनट के लिए पानी में भिगो देंगे। अब हम मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 4 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, 1 चक्र फूल। सभी को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें से भुनने की खुशबू आने लगेगी तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घिसा हुआ नारियल और गैस को बंद कर देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे मिक्सी में पीस कर एक पाउडर तैयार कर लेंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें डालेंगे 1/2 कटोरी रिफाइंड ऑयल। तेल गरम होने पर हम उसमें डालेंगे 3 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक। हम इसमें 2 मीडियम साइज के चॉप्ड प्याज डालेंगे और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। डालेंगे कटी हुई फूल गोभी, चॉप्ड गाजर, और 1 कटा हुआ शिमला मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी उबला हुआ मटर। सभी को हम मिक्स कर लेंगे। में डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी और जो मसाला हमने तैयार किया था उसे भी अब हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ी देर तक सब्जियों के साथ पका लेंगे। अब हम इसमें सोख चावल डालेंगे। हम इसे मिक्स कर लेंगे। चावल को हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, इसे हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 3 कटोरी पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कटोरी चावल यूज़ किया है। अब हम इसे ढक देंगे और 20 मिनट के लिए धीमे आंच पर पकने देंगे।
अब हमारा मसाला भात बनकर तैयार है। इसके ऊपर हम कटी हुई धनिया के पत्ते से गार्निश करेंगे। गर्मा गर्म चटनी और रायते के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने सजेशन के लिए नीचे कमेंट करें।